26 नवंबर 2024 अगला वर्ष, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अब से ठीक 12 महीने बाद संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ होगी। ये चिंताजनक भी है और कंसर्न भी है हम सबका कि हमारे बहुत से नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। उन्हें इस बात का पूरा आभास नहीं होता है कि संविधान हम में से प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। आप सबको मेरा सुझाव है, एक सुझाव, जब 75 वर्ष हम संविधान के पूरे होने पर करेंगे, उसको भव्यता, दिव्यता और एक ग्रैंड शो के रूप में केपी चौधरी जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप मनाइएगा। तैयार? कोई जरूरी नहीं है कि इस बंद विज्ञान भवन के ऑडिटोरियम में करें, कहीं ओपन में करें, लेकिन वो वर्ष भर करते रहें अच्छा होगा। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पहल यदि आपका संस्थान करेगा तो सबको प्रसन्नता होगी। मेरा दूसरा सुझाव भी है, इसमें भी पहल करिए कि संविधान के जो प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समाज तक कैसे पहुँचे, इस पर विचार करें और पहल करें। आप सबकी ये पहल सचमुच में बाबा साहब के प्रति एक व्यवहारिक और सकारात्मक श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होगी। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा आज दिनांक 25/11/2023 को नई दिल्ली के इंडिया गेट से राजपथ होते हुए विज्ञान भवन तक संविधान यात्रा का आयोजन किया गया। संविधान यात्रा का नेतृत्व भिक्खु संघ द्वारा किया गया तथा इसका उद्घाटन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व चेयरमैन 91 वर्षीय श्री एच हनुमंथप्पा द्वारा किया गया। पूरे देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों ने अपने हाथों में पंचशील एवं राष्ट्रीय ध्वज लेकर तथा संविधान की प्रति लेकर इंडिया गेट से विज्ञान भवन तक संविधान यात्रा निकालकर बाबा साहब अम्बेडकर एवं उनके द्वारा बनाए गए संविधान की प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। हम आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली के इस राजपथ पर केवल 26 जनवरी की परेड निकालने का प्रावधान है, इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत का अंदाजा इससे हम सब लगा सकते हैं कि प्रावधान ना होने के बावजूद भी महासंघ को दिल्ली पुलिस द्वारा संविधान यात्रा निकालने की इजाज़त दी गई। कोविड से पहले वर्ष 2019 में भी इसी महासंघ द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के सम्मान में संविधान यात्रा इसी राजपथ पर निकाल कर एक नया इतिहास रचा गया था। बाबा साहब के अनुयायियों ने दिनांक 25/11/2023 को दिल्ली आकर राजपथ पर संविधान यात्रा निकाल कर एक बार फिर इतिहास बनाया। इसके लिए महासंघ और महासंघ के सभी पदाधिकारी साधुवाद के पात्र हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा आज दिनांक 25/11/2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में 74वें संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं संविधान प्रस्तावना की शपथ के साथ तथा भिक्खु संघ द्वारा बुद्ध वंदना द्वारा किया गया। राष्ट्रगान होगा, सब लोग सावधान खड़े हो जाएं।
कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि करके किया गया। जय भीम। समारोह की अध्यक्षता श्री एच हनुमंथप्पा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व चेयरमैन द्वारा की गई। इस अवसर पर महासंघ द्वारा मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद जी को पगड़ी शॉल पहनाकर एवं बुके भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। महासंघ द्वारा सभी अतिथियों को पगड़ी शॉल बुके एवं संविधान की प्रतियां देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महासंघ द्वारा समाज की समस्याओं पर एक विस्तृत 15 सूत्रीय मांग पत्र पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को इस निवेदन के साथ सौंपा गया कि वह समाज के इस मांग पत्र को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे, जिसको श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। समारोह का संचालन महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री KP चौधरी जी द्वारा किया गया। इससे पहले भी श्री KP चौधरी दिल्ली के रामलीला मैदान, जंतर मंतर, संसद मार्ग, तालकटोरा स्टेडियम, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, वैंकूवर कनाडा, स्कॉटलैंड एवं दुनिया के सबसे बड़े फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ में समाज की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। श्री KP चौधरी भारत के पहले अम्बेडकरवादी हैं, जिनको दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की एक प्रसिद्ध सड़क का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर नामकरण करने हेतु न्यूयॉर्क बुलाया गया तथा उनके द्वारा इस सड़क का नामकरण बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर किया गया। अब मैं माननीय कोविंद जी का बहुत बिजी शेड्यूल है, आप जानते हैं कि उनके पास में बहुत व्यस्तताएं हैं। इससे पहले कि हमारे अन्य वक्ता बोले, मैं उनसे माफी चाहूंगा और मैं माननीय कोविंद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और उनके जाने के बाद में फिर सभी वक्ताओं का संबोधन विधिवत रूप से होगा और इसी तरीके से ये हाउस चलेगा। मैं माननीय कोविंद जी को आमंत्रित करूंगा, आप खड़े होकर जब तक यहां तक आए हो ताली बजती रहनी चाहिए जोरदार, कोविंद जी के सम्मान में जोरदार ताली, सब खड़े हो जाए। सही मायने में आपने मुझे सम्मान दिया, लेकिन सचमुच ये सम्मान बाबा साहब का है और यदि आपने मुझे भी दिया तो मैं अपना सम्मान जो आपने मुझे दिया मैं बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC & ST ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी, महासचिव श्री KP चौधरी जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, श्री KP चौधरी जी ने एक मुझे जिम्मेदारी भी दी, एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है और मुझे कहा गया है कि
इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का। मैं उस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें आप सभी के साथ सम्मिलित होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्षों की तुलना में आज का कार्यक्रम कुछ अलग प्रकार का है। 26 नवंबर 2024 अगला वर्ष, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अब से ठीक 12 महीने बाद संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ होगी। ये चिंताजनक भी है और कंसर्न भी है हम सबका कि हमारे बहुत से नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। उन्हें इस बात का पूरा आभास नहीं होता है कि संविधान हम में से प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। आप सबको मेरा सुझाव है, एक सुझाव, जब 75 वर्ष हम संविधान के पूरे होने पर करेंगे उसको भव्यता, दिव्यता और एक ग्रैंड शो के रूप में केपी चौधरी जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप मनाइएगा। तैयार? कोई जरूरी नहीं है कि इस बंद विज्ञान भवन के ऑडिटोरियम में करें, कहीं ओपन में करें, लेकिन वो वर्ष भर करते रहें अच्छा होगा। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पहल यदि आपका संस्थान करेगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप सबको एक मेरा दूसरा सुझाव भी है, इसमें भी पहल करिए कि संविधान के जो प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समाज तक कैसे पहुँचे इस पर विचार करें और पहल करें। आप सबकी ये पहल सचमुच में बाबा साहब के प्रति एक व्यवहारिक और सकारात्मक श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होगी। धन्यवाद। जय हिंद। सर बहुत बहुत आभार माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का, जो दो सुझाव रखे गए हैं। सर 97 में ये महासंघ आप लोगों के आशीर्वाद से है और आप लोगों के प्रयासों से बना, इस बात की बधाई तो है कि 97 से आज तक इन सब लोगों को, सारे संगठनों को एक साथ लेकर के आज हम 25 नवंबर 2023 को आपके आशीर्वाद से यहाँ इस विज्ञान भवन में इकट्ठा हुए हैं। ये हमारी एकता, एकजुटता और कार्यशैली का परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं। आपने जो जिम्मेदारी लगाई है 75वें संविधान दिवस की, उसको व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। तैयार हो गए आप लोग? तैयार हो? अभी मैं एक बात नहीं रोक पा रहा हूं, अभी एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय जो अपना महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं महामहिम में समय दिया, और जानते हैं सर चर्चा कितनी हुई, 1.5 घंटे चर्चा हुई, एक एक पदाधिकारी से परिचय किया, तुम कौन से विभाग से हो, तुम कौन से हो, और अभी जो फोटो सेशन हुआ उसमें एक एक पदाधिकारी से परिचय किया साहब ने, और जो सर नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने उचित नहीं समझा, पर मैं कह देता हूं, सर ने 1.5 घंटे में एक बात कहा, चौधरी जी विपासना के लिए लोगों को भेजो। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, आज पूरे देश के लोग हो कि विपासना करने के लिए आप लोग हाथ उठाओ, सब लोग तैयार हो, जाओगे? जाओगे? और अपने अपने सबोर्डिनेट जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं संगठनों में, सबको आप ये शिक्षा देंगे? चलिए, मैं महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और ये आशा करता हूं कि जिस तरीके से मान्यवर का आशीर्वाद हमें आज तक 97 से मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम लोग आज तक यहां पहुंचे हैं, और आगे भी जो आपने आज दो दिशा निर्देश दिए हैं उनका अक्षर से पालन करेंगे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने महासंघ को 75वें संविधान दिवस को अगले वर्ष 2024 में दिव्यता एवं भव्यता के साथ खुले ऑडिटोरियम में मनाने की जिम्मेदारी महासंघ को दी, जिसको महासंघ द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। श्री कोविंद जी द्वारा महासंघ से अनुरोध किया गया कि महासंघ संविधान के सभी प्रावधानों की जानकारी आम आदमी को मुहैया कराए, जिसको महासंघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सभी अतिथि द्वारा संविधान दिवस के शुभ अवसर पर अपने संबोधन में बाबा साहब अम्बेडकर एवं भारतीय संविधान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए महासंघ का एक ऐसा ऐतिहासिक आयोजन के लिए आभार प्रकट किया। महासंघ द्वारा 74वें संविधान दिवस समारोह का दिल्ली के विज्ञान भवन में व्यापक स्तर पर सफलतम एवं ऐतिहासिक आयोजन करने के लिए महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विज्ञान भवन में कार्यकर्ताओं द्वारा पगड़ी पहनाकर शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे थे यू टी वी ओके की पूरी रिपोर्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय।